गाइस व्हाट्स अप इट्स बॉनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर पेंटिंग। अब देखना तो पड़ेगा। एनीवेज वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने एक कार्ड ले लिया है और मैं इसमें अपनी कलाकारियां स्टार्ट करने वाली हूँ। सबको ये बात पता है। एनीवेज कार्ड के चारों साइड्स में मैंने मास्किंग टेप को अच्छे से स्टिक कर दिया है। एनीवेज अभी मैं व्हाइट जेसो का एक कोट अप्लाई करूंगी। अगर आप लोगों के पास व्हाइट जेसो नहीं है देन डोंट वरी, यू कैन यूज व्हाइट एक्रेलिक कलर। जेसो अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब फटाफट एक स्केच बना लूंगी। मैं आज बनाने वाली हूँ स्पेस का सीन। मैंने यहाँ पर एक रॉकेट बनाई है, दो प्लैनेट्स बनाई है और बस हमारी ड्राइंग कंप्लीट। अब करूंगी पेंटिंग और पेंटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरे एक्रेलिक कलर। स्काई मतलब स्पेस वाला जो हिस्सा है ना, उससे मैं पहले कलर कर लूंगी, उसके बाद बाकी सारी एलिमेंट्स पे कलर करूंगी जैसे प्लैनेट्स, रॉकेट्स और भी बहुत सारी एलिमेंट्स है। पहले बेसिक कलर अप्लाई करूंगी और उसके बाद डिटेलिंग्स, आउटलाइनिंग एंड हाइलाइटिंग ऐड करूंगी। इस बार शेडिंग नहीं करूंगी? नहीं, क्योंकि ये एक इलस्ट्रेशन है इसीलिए नो शेडिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या कर रहे हो यार, एक लाइक तो कर दो। और चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। पेंटिंग करते करते मुझे काफी डर भी लग रही है। डर क्यों लग रही है? एक्चुअली ये प्लेइंग कार्ड्स मेरे पापा के हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनकी प्लेइंग कार्ड्स को लेकर ये सब कर रही हूँ तो पता नहीं क्या होने वाला है। ओ, तो ऐसी बात है। हाँ ऐसी ही बात है। एनीवेज वो सब बाद में देखेंगे, पहले पेंटिंग कर लेते हैं। सो हमारी पहली वाली कार्ड एकदम कम्प्लीट हो चुका है और इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया है। वाओ, ये तो बिल्कुल पिक्चर बुक के इलस्ट्रेशन जैसा लग रहा है। थैंक्स अ लॉट। एनीवेज अब करते हैं नेक्स्ट कार्ड पे पेंटिंग। सो मैंने पहले ही कार्ड पे जेसो अप्लाई कर दिया है, सो मैं इस कार्ड पे डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट कर दूंगी और कोई भी स्केचेस नहीं करूंगी। पहले मैं पीच कलर से पूरी बैकग्राउंड को अच्छे से कलर कर दूंगी, उसके बाद मैं डिफरेंट कलर्स के पैटर्न्स ऐड करते जाऊंगी। और लास्ट में लीव्स ऐड करने के बाद वी आर डन डना डन 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 डना डन डन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम हमारी पेंटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तुम और तुम्हारी लैंग्वेज। झगड़ा बाद में करेंगे। एनीवेज अभी मैं अपनी पेंटिंग्स के ऊपर वर्निश का एक कोट अप्लाई करूंगी। आप पेन कार्ड्स को बुक मार्क्स की तरह भी यूज कर सकते हो। सच में दोनों ही काफी क्यूट बनी है। थैंक्स अ लॉट। एनीवेज ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी क्रिएटिव।